सिंह पुसी जहां द्वारका शारदा पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज की जन्म जयंती का शताब्दी महोत्सव परमहंसी गंगा आश्रम ज्योतिषपुर में मनाया जाएगा, इसलिए अभी से व्यापक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने पत्रकारों को बताया कि संपूर्ण नरसिंहपुर जिले के प्रत्येक ग्राम में महाराज श्री के जन्मोत्सव 18 सितंबर को ग्राम वासियों द्वारा अपने ग्राम के देव स्थान या सार्वजनिक स्थान पर ध्वजारोहण किया जाएगा। शंकराचार्य ने सभी गुरु भक्तों एवं सनातनी धर्मावलंबियों से सहयोग की अपेक्षा की है। आपने बताया कि ब्रह्मलीन पूज्य शंकराचार्य जी की तपो और कर्म स्थली नरसिंहपुर जिला रही है। नरसिंहपुर जिले से उनका गहरा लगाव रहा, उन्होंने जिले को बहुत दिया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। पत्रकारों के कई प्रश्नों का उत्तर देते हुए शंकराचार्य जी ने बताया कि निश्चित तौर पर मणिपुर की स्थिति भयावह है। हमने भी वहाँ प्रतिनिधि के रूप में 2 लोगों को वस्तु स्थिति जानने के लिए भेजा है। शंकराचार्य जी ने ज्ञान बापी मस्जिद विवाद पर कहा कि वहां पर प्राचीन शिवलिंग स्थापित है जिसकी पूजा की अनुमति हिंदुओं को मिलना चाहिए, कोर्ट को शीघ्र निर्णय देना चाहिए। सीमा हैदर मामले में महाराज जी ने कहा कि ऐसे किसी मामले में किसी को भी अवसर नहीं देना चाहिए, उसको तुरंत पाकिस्तान भेजा जाए क्योंकि इससे देश को खतरा हो सकता है। ज्ञान बापी में भगवान शिव प्रकट हुए, बहुत दिनों से छुपा करके रखा गया था, फिर सर्वे हो रहा था जिस दौरान ये पता चला कि ये बजू के कुंड में तो हमारे शिव जी हैं। बाद में लोग न्यायालय में गए, उन्होंने बताया, न्यायालय ने कहा तुरंत शिवलिंग को सुरक्षित किया जाए। फिर जो विपक्षी थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए 2 दिन में ही। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो शिवलिंग मिला है उसका ड्यूली प्रोटेक्शन किया जाए। अब ड्यू प्रोटेक्शन क्या होता है? कानून की भाषा में ड्यू का मतलब है कि जैसे संरक्षण की उसको आवश्यकता है। तो हमारे यहाँ अगर गाय का संरक्षण करना होगा तो भूसा देना होगा, बच्चे का संरक्षण करना होगा तो दूध पिलाना होगा, मनुष्य का संरक्षण करना होगा तो भोजन देना होगा। उसी तरह से किसी देव मूर्ति का संरक्षण करना होगा तो उसकी पूजा करनी होगी। तो हम लोग ये चाहते थे कि वो पूजा शुरू हो जाए। तो शंकराचार्य जी महाराज उस समय विद्यमान थे, उन्होंने हमको आदेश किया कि तुम काशी जाओ, जा करके वहाँ पर पूजा करो। हम वहाँ गए, जा करके हम पूजा के लिए प्रस्तुत थे, तभी पुलिस वालों ने हमको बंदी मैंने रोक लिया और रोके रहे 1.25 घंटा बिना एक बूंद पानी के। हम बैठे रहे 5 दिन तक, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो वाराणसी का जिला प्रशासन है उसने संज्ञान नहीं लिया। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे देवता प्रकट होकर के भी पूजित नहीं हैं, इस बात से देश की जो करोड़ों करोड़ सनातनी जनता है वो दुखी है। और इसीलिए शंकराचार्य जी महाराज के आदेश से फिर हमने प्रतीक पूजा शुरू की। देश में हजारों जगहों पर प्रतीक पूजा विश्वेश्वर की चल रही है, लेकिन अब ये हम लोगों ने तय किया है इस बात को रेखांकित करने के लिए भारत के हर गांव से कम एक शिवलिंग काशी भेजा जाए और वहां पर उसकी पूजा शुरू हो। तो हम समझते हैं कि 7 लाख गांव हैं लगभग, और सभी शहरों के मोहल्ले मिला करके 4 लाख और जोड़ दें तो 11 लाख की संख्या में वहां पर शिवलिंग इकट्ठा होगा और उसकी पूजा अर्चना प्रतीक रूप में विश्वेश्वर की पूजा जब तक अवसर नहीं मिलता तब तक होती है।